हेलो एवरीवन, इस पूरी सीरीज के अंदर हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे ऑन डिजिटल लॉजिक। और डिजिटल लॉजिक के अंदर जितने भी सिलेबस है, पूरा जो स्टार्टिंग से एंड तक हम पूरा टॉपिक जो है सब कवर करेंगे, और उसके साथ साथ हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो आई होप जो क्लासेस है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो आई थिंक यू नो माई नेम, माई नेम इज़ हिमांशु कौशिक, और मुझे गेट की फील्ड में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए बहुत टाइम हो चुका है। मैं इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के साथ ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, और सब पहली बार मैंने गेट एग्ज़ाम क्लियर किया था, दैट वॉज इन 2011-12। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि इसी फील्ड में मुझे लगभग 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो ऑब्वियसली हमारा जो एक्सपीरियंस है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, तो इसी वजह से आप जो हमारी क्लासेस है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मेरा कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं ऑन अन अकेडमी, तो अन अकेडमी पे मेरे पास दो तरह के कोर्सेज जो होते हैं। पहला जो है दैट इज़ कॉल्ड प्लस कोर्स, एंड सेकेंड इज़ आइकॉनिक कोर्स। तो प्लस कोर्स में स्पेशल ये है कि यहाँ पर इंडिया के बेस्ट टीचर्स यहाँ पर होते हैं, और साथ साथ में जो मेरी क्लासेस होती है काफ़ी इंट्रैक्टिव होती है, यानी कि आप और मैं क्लासेस के बीच में इंट्रैक्टिव या डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। और साथ साथ में जब आप आइकॉनिक कोर्स में जाएंगे तो आइकॉनिक में स्पेशल है, स्पेशल ये है कि एक मेंटर आपके साथ हमेशा साथ रहेगा। तो मेंटर, जब भी आपको कोई भी डाउट रहेगा, आपको कोई भी नोट्स की ज़रूरत होगी या फिर आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत होगी, तो मेंटर हमेशा आपको सपोर्ट करेगा इन एनी वे। तो अगर मेरा कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं विद अन अकेडमी, चाहे आप प्लस ले या फिर आइकॉनिक ले, मेरा कोई भी कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं, जस्ट यूज़ अ कूपन कोड विच इज़ कौशिक 10, क्योंकि कौशिक 10 में आपको टोटल 10% ऑफ हमको मिल जाएगा। जस्ट यूज दिस एंड होप यू लाइक दिस। पूरी सीरीज जो है आपको बहुत अच्छी लगेगी, एंड थैंक यू सो मच। लेट अस डिस्कस अबाउट दीज सिक्वेंशियल सर्किट्स नाउ। अब तक हमने जो भी सर्किट्स डिस्कस किए हैं, ऑल ऑफ दो सर्किट्स वर कॉम्बिनेशनल सर्किट। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दीज सिक्वेंशियल सर्किट। तो सिक्वेंशियल सर्किट का मतलब क्या है? व्हाट डू आई रियली मीन टू से बाय सिक्वेंशियल सर्किट्स? आई टेक वन एग्जाम्पल एंड देन मे बी यू विल अंडरस्टैंड इट इन मोर डिटेल्स। ओके, सो फार वी हैव स्टडीड वेरियस एडर्स, राइट? हमने अब तक काफ़ी तरह के एडर्स को कवर किया है। वी हैव कवर वेरियस एडर्स। सो वी हैव कवर्ड द फॉलोइंग एडर्स। वी हैव कवर्ड एन हाफ एडर, half adder, then we have covered full adder, then we covered ripple carry adders, that means your paddle adder, and then we covered something called as carry look ahead adder. Correct? So even we have seen adders in other number systems, like we have BCD number system. I mean, you have BCD code, you have gray code. So in those codes also we have seen these adders. So all of these adders that we have covered so far, all of these are combinational circuits. ये सभी combinational circuits हैं. Okay? And I told you that we have something called as a sequential circuit, and one example of sequential circuit is your serial adder. जो आपके पास एक serial adder है वो एक example है sequential circuit का. So obviously we are going to discuss more about serial adders, and we are going to have a complete discussion regarding serial adders, because this is something that we will be doing in our upcoming lectures. But right now, first of all, let me give a brief idea. Let me give a brief introduction about it, because हम बाद में इसको काफ़ी डिटेल में भी स्टडी करेंगे. अभी मैं आपको इसका एक बस एक ब्रीफ आइडिया आपको मैं देता हूँ कि सीरियल एडर होते क्या है. सो सी, आई टोल्ड यू दैट वेन वी टेक अ पैरेलल एडर, वेन वी टेक अ पैरेलल एडर, सो इन दिस पैरेलल एडर वी गिव ऑल द बिट्स पैरेलली. ठीक है, so we have something like this, we have a circuit like this where we are going to give all of these bits. So we have the 80, A1, A2 and A3. These are the bits B0, B1, B2 and B3, and then we get all the sum. So we get the sum S0, we have the sum S1, we have the sum S2, we have the sum S3. And then we also get a carry. Let us suppose the carry is C4.
ओके तो इसमें करते क्या हम लोग, अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था कि अगर आपके पास कुछ बिट्स हैं, जैसे आपके पास है A1, A2, A0 एंड A3, देन यू ऐड देम पैरेलली विद B0, B1, B2 एंड B3, सो देयर सम हियर इज S0, S1, S2 एंड S3. सो जो भी कैरी जनरेट होता है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज इफ आई एडेड A0 प्लस B0, then sum is S0 and the carry generated by them is C1. Then I add this carry here, again the carry generated is C2. Then I add this carry here, so again the carry generated is C3. So this carry is basically dependent on the previous two bits. ठीक है, और ये जो सारा काम है हम इस पूरे वर्क को पैरेलली परफॉर्म कर रहे हैं. That means all of these things are going parallelly. सभी चीजें पैरेलली हो रही है, they are not happening one after other. ये सभी चीजें यहाँ पर पैरेलली परफॉर्म हो रही है. नाउ द सेकेंड वन इज योर सीरियल एडर. सो सीरियल एडर इज समथिंग लाइक दिस. सीरियल एडर का कॉन्सेप्ट क्या है? इन योर सीरियल एडर यू गिव द बिट्स सीरियल, यानी कि एक एक करके, एक के बाद एक करके हम एक एक करके बिट्स को देने वाले हैं. सो दिस इज योर सर्किट फॉर सीरियल एडर, और आई शुड ड्रॉ इट समवेयर हियर. सो दिस इज योर सर्किट फॉर सीरियल एडर. सो इन दिस सीरियल एडर वी नीड मेमोरी ऑल्सो. तो हमारे पास एक मेमोरी सेल है, दिस इज वन बिट मेमोरी सेल. ठीक है, एंड दीज आर द नंबर्स एंड वी आर गोइंग टू पास द बिट्स ऑफ द नंबर्स इन सीरियली फैशन, नॉट पैरेलल बट सीरियल. सो द नंबर्स आर, बिट्स आर A0, A1, A2 एंड A3, B0, B1, B2 एंड B3. And from here, I will get the sum. So let us suppose the sum is S0 and so on. And here, this is the one bit memory cell where we are going to remember the carry. So if you look at it carefully, how will this work? How will this work? So if you look at it here, you will know that when I add A0 and B0, initially, if we add A0 and B0, then some carry can generate. So whatever the carry is, I'm going to represent the carry here. I'm going to remember the carry in this memory location. So I'm going to add A0 plus B0. Then I'm going to get the sum S0. Also, I'm also going to get a carry here. So let us suppose the carry is 1. And then next time, when I add these two bits, jab hum in dono bits ko add karenge, in that case, I will look in the memory cell. I will identify what is the value of carry. Kya yahan par carry 0 hai? Kya yahan par carry 1 hai? Agar yahan par carry 0 hai, then A1 plus B1, you will get a sum and then you will get one more carry. Agar yahan par carry 1 hai, then again this addition will work differently. I can also represent the same with the help of a Mille and a Moore machine. So let me explain you how. So this is the state. This state is representing that carry is equal to 0. Carry is equal to 0 means agar yahan par memory bit is cell ke andar, agar koi bhi carry nahi hai, to usko hum is circle yani ki is state se represent kar rahe hain. And this state is representing carry is equal to 1. कि यानी कि इस मेमोरी सेल में हमारे पास ऑलरेडी एक कैरी है, उसको हम इस स्टेट के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं. नाउ लुक एट इट हियर, इफ लेट अस अज्यूम दैट A0 एंड B0 बोथ ऑफ देम आर 0 एंड कैरी इज ऑल्सो 0. अगर A0 B0 दोनों 0 है, कैरी 0 है, देन द नेक्स्ट कैरी दैट आई एम गोइंग टू जनरेट इज ऑल्सो 0 एंड द सम विल ऑल्सो बी 0. सो आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट इन दिस मैनर, इफ द वैल्यू ऑफ A0 इज 0, the value of B0 is also 0, as well as then carry is also 0, then the sum is also going to be 0. ठीक है, ये क्या represent कर रहा है यहाँ पर? This is representing the sum, which is basically SI. This is representing a number, which is AI. This is representing your bit, which is BI. ओके, तो हम लोग यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम लोग बेसिकली यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम अगर ऑलरेडी कोई कैरी नहीं था, तो यानी कि दोबारा से कोई भी कैरी जनरेट नहीं होगा. दैट इज व्हाई आई हैव टेकन अ सेल्फ लूप. इफ यू आर गोइंग टू ऐड द नंबर्स व्हिच इज 0 1, देन सम विल बी 1 एंड अगेन नो कैरी विल बी जनरेटेड. यानी कि यहाँ पर कोई कैरी नहीं था, हियर आई हैव पास्ड अ वैल्यू 0 एंड हियर आई पास्ड अ वैल्यू 1. 0 प्लस 1 इज 1 एंड देयर इज अगेन नो कैरी, दैट मीन्स कैरी 0 ही रहेगा. इन द सेम वे इफ वी एड 1 0, देन सम विल बी 1, अगेन नो कैरी विल बी जनरेटेड. नाउ इफ वी एड 1 1, अगर हम 1 1 को ऐड करेंगे, इन दैट केस सम विल ऑल्सो बी 1 एज वेल एज सम विल बी 0 एंड कैरी विल बी 1. तो अगर हम 1 और 1 को ऐड करेंगे, यानी कि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है,
और करंट कैरी की वैल्यू जीरो है, तो इनकी 110 इसकी जो वैल्यू है वो होगी अब आपके पास, सम विल बी जीरो एंड कैरी विल बी वन. I can also do something like this. अगर इसमें already कोई carry है, if it is already having a carry, so if I am going to add 10, then sum will be 0 and carry will be 1. Why? Because 1 plus 0 plus 1 is 0, right? यानी कि यहाँ पर value 1 है, यहाँ पर हमने 0 pass किया, यहाँ पर हमने 1 pass किया, 0, 1, 1, 0 plus 1 plus 1 is 2. I mean the carry will be 1 and sum will be 0. In the same way, if I add 0 plus 1, and already carry known is 1, then sum will be 0 and carry will be 1. In the same way, if I add 1 plus 1, then sum will be 1 and carry will be 1. But if I add 0 plus 0, then sum will be 1 and carry will be 0. So, in this case, mein 1 kyun aaya hamare paas sum? Because agar already known carry 1 hai, agar hame already pata hai ki carry 1 hai, jaise agar humne bola ki yahan par A2 ki value, A2 ke andar carry 1 hai, और a2 की वैल्यू 0 है, b2 की वैल्यू 0 है, तो 1 plus 0 plus 0, the sum will be 1 and carry will become 0. So this is representing the state transition diagram for this serial adder. तो ये जो है ये एक state transition diagram की तरह represent कर रहा है. Okay? Now this is what we do in sequential circuit. तो sequential circuit में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी आपके पास circuit है, so for example here this serial adder is a combination circuit, right? अगर मैं इसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा तो ये सीरियल एडर क्या है, ये कॉम्बिनेशन सर्किट है. दिस इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट एंड विद दिस कॉम्बिनेशन सर्किट आई एम गोइंग टू ऐड वन बिट मेमोरी सेल. इस कॉम्बिनेशन सर्किट के साथ मैं एक मेमोरी सेल को ऐड करूंगा, यानी कि एक मेमोरी को ऐड करूंगा ताकि मैं कुछ बिट्स को रिमेंबर कर सकूं. तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल दिस कॉम्बिनेशन एज ए सिक्वेंशियल सर्किट. तो अगर मैं इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, व्हाट डू आई मीन टू से बाय सिक्वेंशियल सर्किट, देन यू कैन सी दैट आई हैव अ कॉम्बिनेशन सर्किट. With this combinational circuit, I'm going to add a memory element, and this memory element can remember 1 bit of information, it can remember 2 bits of information, it can remember 3 bits of information, and so on. I mean, according to the requirement, we can define what is the amount of memory I want to use. And then the output here will be dependent on what is the present input as well as what is the data stored in the memory element. यहाँ पर memory element में क्या data stored है और प्रेजेंट इनपुट क्या है, उसके बेसिस पर जो है आउटपुट वो आपका डिपेंडेंट होगा. सो दिस इज योर सिक्वेंशियल सर्किट. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉम्बिनेशन सर्किट एंड अ सिक्वेंशियल सर्किट. ऑल दिस डिफरेंसेस आर प्रॉपरली फिगर्ड आउट इन दिस टेबल. यू कैन सी व्हेन आई से इन अ कॉम्बिनेशन सर्किट द करंट आउटपुट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द करंट इनपुट. जो आपका अभी का आउटपुट है वो अभी जो आपने इनपुट दिया है उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस आउटपुट. बट व्हेन आई से वी हैव अ सिक्वेंशियल सर्किट, इन केस ऑफ अ सिक्वेंशियल सर्किट द करंट आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन द करंट इनपुट एज वेल एज द प्रीवियस वैल्यू ऑफ द स्टेट. यानी कि जो प्रीवियस आपके पास मेमोरी सेल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड थी, वट एवर इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द मेमोरी सेल एंड वट इज द करंट इनपुट, इन दो चीज़ों के ऊपर आपका जो करंट आउटपुट है वो डिपेंडेंट होता है. सो यू कैन ऑल्सो रीड इट हियर. In sequential circuit, the output variables depend not only on the present input variables, but they also depend upon the past history of these variable input. जो उनकी past history है, past history हम कहाँ पर remember करेंगे, in your memory cell. Secondly, the memory unit is not required in the conventional circuit, but in a sequential circuit we use memory unit to store the data. And then combinational circuits are faster in speed because delay between the input and output is due to propagation delay of gates, but sequential circuits are basically slower as compared to combinational circuit because here we also need the value of the flip flops, or can say we also need the value of the cell. So, yani ki previous output pe bhi aapka current output dependent hota hai. Okay. Now we will start our discussion regarding these sequential circuits. Aur sabse pehle hamara jo basic element hai sequential circuit mein, yani ki jo basic sabse basic element hai, yani ki aapka jo memory cell hai, हम लोग अपना जो डिस्कशन है वो मेमोरी सेल के साथ स्टार्ट करेंगे, यानी कि हम लोग अपना डिस्कशन फ्लिप फ्लॉप के साथ स्टार्ट करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन एंड वी विल स्टार्ट विद फ्लिप फ्लॉप्स. सो वन ऑफ द वेरी बेसिक एलिमेंट हियर फॉर एनी कॉम्बिनेशन सर्किट इज अ मेमोरी सेल. तो जो सबसे बेसिक एलिमेंट है हमारे पास वो मेमोरी सेल है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम लोग मेमोरी सेल कैसे बना सकते हैं, हाउ कैन वी मेक मेमोरी सेल, एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ कैन वी कंट्रोल द वैल्यू ऑफ दैट मेमोरी सेल. So, the most basic element here is called as 1-bit memory cell and it is also called as a latch. इसको हम latch भी बोलते हैं. And this is the diagram of 1-bit memory cell. You can make this 1-bit memory cell
using a NOT gate, you can make it using a NAND gate, or you can also make it using a NOR gate. तो बेसिकली अगर आप NAND गेट के अंदर दोनों इनपुट सेम देंगे तो ये क्या बनेगा, NOT गेट. वी हैव ऑलरेडी सीन दिस जब हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को पढ़ा था, वहाँ पर हमने ऑलरेडी इसको देखा था कि अगर हम यहाँ पर NAND गेट के अंदर दोनों इनपुट सेम देते हैं तो हमारे पास वो बनेगा NOT गेट. अगर आप यहाँ पर देखेंगे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस इज वर्किंग. सो लेट अस अज्यूम हियर करंटली इन दिस सर्किट वी हैव अ वैल्यू 1, यहाँ पर एक वैल्यू 1 है. सो व्हेन दिस 1 विल ट्रैवल फ्रॉम दिस NOT गेट, दिस 1 विल बिकम 0. And then this 0 will travel from this line, it will be given to the second NOT gate, and then in the second NOT gate the input will be 0 and the output will be 1. Again this 1 will travel from here, it will go to the first NOT gate, and again this 1 will change to 0, and again this 0 will change to 1. So you can see 1 bit of information is locked. 1 bit ka jo information hai wo locked ho gayi hai, jisko hum log latch bhi bolte hain. We also call it as a latch. If you look at the second one, again in the second one we are using a NAND gate here. So if, let us assume there's a bit 0, humne yahan par 0 ko store kiya, send kiya. So this 0, when you are going to transfer this 0 from this NAND gate, to ye jo 0 hai ye yahan par 1 ban jayega. And when this 1 will travel from this path, jab it 1 is path se travel karega, then this 1 will be flipped to 0. And further again when this 0 will travel from this path, अगेन द जीरो विल बी फ्लिप टू 1. तो बेसिकली क्या है कि ऑटोमेटिकली 1 0 में चेंज हो रहा है, 0 1 में चेंज हो रहा है, दोनों एक दूसरे की तरह से ऐसे इन्फिनिट लूप की तरह दोनों चलते जा रहे हैं, राइट. इफ यू रिमेंबर इट, सो दिस इज सम हाउ वी रिप्रेजेंट ए इन्फिनिट लूप, राइट. तो 1 0 में चेंज हो रहा है, 0 1 में चेंज हो रहा है, 1 0 में चेंज हो रहा है, 0 1 में चेंज हो रहा है, कॉन्स्टेंटली इट इज वर्किंग लाइक दिस. तो जो 1 बिट की इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर कॉन्स्टेंटली लॉक्ड है, and this will be logged until there happens a wear and tear in the circuit, because obviously in your circuit there is some kind of resistance. Aapka jo circuit hai wo kuch resistance offer karta hai, so after some point of time even the value of your voltage will become low, aapki voltage ki value low ho jayegi, but again this one bit of information is basically locked here, wo hamesha yahan par locked hi rahegi. Even you can also see this one bit memory cell using a NOR gate. Aap NOR gate se bhi bana sakte hain. If both the input in the NOR gate is same, then this NOR gate will act as a NOT gate. Agar yahan par humne input 1 diya, then this will change to 0, and then this 0 will be given to this, this will change to 1, again 1 will be given to this, this will change to 0, 0 will be given to this, and this will change to 1, and so on. To is tarike se aapke paas yahan par 1 bit memory cell ho sakta hai. Okay, now very good question here. To iska ek bahut hi acha question aapke paas ki aap is 1 bit memory cell ki value ko control kaise kar sakte hain. How can you control the value of this 1 bit memory cell? So if you see this memory cell, what we do here is, with this memory cell I try to add a combinational circuit. Main yahan par ek combinational circuit ko add karta hu. I add a combinational circuit here before this 1 bit memory cell. तो ये क्या आपके पास, दिस एंटायर इज रिप्रेजेंटिंग 1 बिट मेमोरी. ये पूरा एक 1 बिट मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दिस हियर इट इज रिप्रेजेंटिंग अ कॉम्बिनेशन सर्किट. तो अब क्या करते हैं कि इस कॉम्बिनेशन सर्किट की हेल्प से आप इस 1 बिट मेमोरी सेल की वैल्यू को मैन्युपुलेट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं. सो इफ सम वैल्यू इज 0, यू ट्राई टू चेंज इट टू 1. इफ सम वैल्यू इज 1, यू ट्राई टू चेंज इट टू 0. यानी कि इस कॉम्बिनेशन सर्किट की हेल्प से आप इसकी वैल्यूज में चेंजेस लेकर आते हैं, उसमें चेंजेस को परफॉर्म करते हैं. ओके, आई होप इट इज क्लियर. सो लेट अस रीड सम थ्योरी अबाउट इट. अच्छा, जस्ट वन मोर थिंग, आई फॉरगॉट टू टेल यू समथिंग स्पेशल हियर. सो जस्ट वन मोर थिंग हियर, इफ आई टोटली टेक इट दिस वे, अगर मैं इस प्रॉपर इस पूरे को लेता हूँ, आई मीन इफ आई टेक दिस 1 बिट मेमोरी सेल एंड दिस कॉम्बिनेशन सर्किट टुगेदर, तो इसको हम बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप. इसको हम बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप, बिकॉज यू फ्लिप 1 बिट मेमोरी, मतलब आप एक वैल्यू को 1 से 0 में चेंज करते हैं, 0 से 1 में चेंज करते हैं. सो इट इज बेसिकली, इट कैन टेक ओनली 2 वैल्यूज, 2 मीन्स बाई. सो बेसिकली वेन यू हैव 1 बिट मेमोरी सेल, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज ए बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर. तो बाई स्टेबल मीन्स इट कैन टेक 2 वैल्यूज, इट कैन टेक अ वैल्यू 0 एज वेल एज इट कैन ऑल्सो टेक अ वैल्यू 1. दैट इज वाई वी कॉल इट एज ए बाई स्टेबल. ओके, तो लेट अस रीड सम थ्योरी अबाउट इट. थोड़ा सा थ्योरी समझते हैं तो आपको थोड़ा और बेटर लगेगा. यू विल ऑल्सो फील गुड, ऑब्वियसली आपको थोड़ा अच्छी फीलिंग आएगी, राइट. फीलिंग तो ऑब्वियसली अच्छी आनी चाहिए ना. तो अगर पढ़ते हुए मजा ना आए तो क्या फ़ायदा. जब आप पढ़ रहे हैं, इफ़ यू आर फॉलोइंग माई लेक्चर्स, ऑब्वियसली यू शुड रियली एन्जॉय इट. पढ़ने में मज़ा आएगा तभी तो मज़ा है ना, बात आएगी, राइट. तो लेट अस लुक एट इट.
तो यहाँ पर जो भी आउटपुट्स हैं, पहली चीज जो भी आपके आउटपुट होंगे दे विल बी कॉम्प्लीमेंट्री। अगर यहाँ पर आउटपुट क्यू है तो यहाँ पर आउटपुट होगा क्यू कॉम्प्लीमेंट। सो यू नो अगर यहाँ से आउटपुट आपके पास वन आ रहा है तो ये वाला जो नॉट गेट है ये आउटपुट देगा जीरो। अगर यहाँ से आउटपुट आपके पास जीरो आ रहा है तो ये वाला जो नॉट गेट है आउटपुट देगा आपके पास वन। सो पहले क्या है कि आपका जो आउटपुट है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, दैट मीन्स इट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। सेकेंडली, सो द सर्किट हैज टू स्टेबल स्टेट्स। इसके पास दो स्टेबल स्टेट्स हैं, यानी कि पहला या तो आउटपुट आपका वन हुआ क्यू इज इक्वल टू वन विच इज कॉल्ड एज सेट, यानी कि अगर इस क्यू के अंदर वैल्यू वन है, अगर क्यू आपको आउटपुट वन दे रहा है तो उसको हम बोलेंगे सेट। अगर क्यू हमें आउटपुट जीरो दे रहा है तो उसको हम बोलेंगे रीसेट, तो उसको हम बोलेंगे रीसेट। ओके, जीरो स्टेट और रीसेट स्टेट। ओके, सो अगर इस वन बिट मेमोरी सेल में इफ द लैच और इफ दिस वन बिट मेमोरी सेट सेल इज करंटली सेट, तो वो हमेशा सेट रहेगा अंटिल देयर इज अ वेरिएंट हियर इन द सर्किट। इफ इट इज करंटली रीसेट तो वो हमेशा रीसेट ही रहेगा। आई मीन अंटिल एंड अनलेस एक्सटर्नली इसकी वैल्यू को चेंज ना किया जाए, उसकी वैल्यू हमेशा या तो सेट रहेगी या तो हमेशा रीसेट रहेगी। ओके, एंड बिकॉज वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन इज द सर्किट इज लॉक्ड और लैच्ड, हम वन बिट की इंफॉर्मेशन को लॉक या लैच इसके अंदर करते हैं, दैट इज वाई इस सर्किट को हम लैच भी बोलते हैं, हम इसको लैच की टर्मिनोलॉजी भी देते हैं। ओके, नाउ एज आई टोल्ड यू दैट वी हैव अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, वी यूज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट हियर, वी यूज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट टू कंट्रोल दिस वैल्यू ऑफ लैच। इस लैच की वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट का यूज करते हैं। दैट इज वाई हियर वी कैन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन सर्किट, दे कैन कंट्रोल द वैल्यूज डिफरेंटली। तो इस पूरे को हम बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप, वी कॉल इट एज ए फ्लिप फ्लॉप। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू हैव फोर फ्लिप फ्लॉप्स जो हम लोग स्टडी करेंगे। द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप हियर इज योर SR फ्लिप फ्लॉप, पहला आपके पास है SR फ्लिप फ्लॉप। द सेकेंड फ्लिप फ्लॉप दैट वी आर गोइंग टू कवर हियर इज JK फ्लिप फ्लॉप, एंड द थर्ड फ्लिप फ्लॉप दैट वी विल बी कवरिंग हियर इज योर D फ्लिप फ्लॉप, एंड द फोर्थ फ्लिप फ्लॉप दैट वी आर गोइंग टू कवर इज योर T फ्लिप फ्लॉप। तो ये आपके पास चार फेमस फ्लिप फ्लॉप है, दीज आर द फोर फेमस फ्लिप फ्लॉप्स, दे आर SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप एंड T फ्लिप फ्लॉप। सो नेक्स्ट entire session, I mean the next 5 to 6 videos will be completely dedicated to these flip flops, कि SR flip flop क्या होता है, JK flip flop क्या होता है, D flip flop क्या होता है, T flip flop क्या होता है, what is clock frequency, clock frequency से इनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, how can they react according to whatever the clock frequency is, how can you represent the clock frequencies, how can you represent the flip flops, all of these things we are going to dedicate our this entire unit into these things. तो अब लोग हम स्टार्ट करेंगे SR फ्लिप फ्लॉप के साथ। लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन रिगार्ड विद SR फ्लिप फ्लॉप्स।